हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं आज आपके लिए लाया हूँ कि एक इंडिविजुअल और HOF अपने टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वो अपना टैक्स कैसे निकालें। इसके लिए चलो आओ अपन जानते हैं कि आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर कि कैसे एक इंडिविजुअल और HOF अपना टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को हिट करना मत भूलिएगा, प्लीज़। लेट्स गो। चलो आइए, कंप्यूटर से सबसे पहले हम जानते हैं कि एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया कि मिस्टर एक्स, जिसकी टोटल इनकम 12 लाख रुपीज़ इन द प्रीवियस ईयर 2021 प्रीवियस ईयर एंड कंप्राइजिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से है उसकी, और इंटरेस्ट ऑन द फिक्स डिपॉजिट सैलरी से हो सकती है। तो कंप्यूट हिज द टैक्स लाइबिलिटी असेसमेंट ईयर 21 और 20। अज्यूम द एज, पहली एज हम अगर मान लो उसकी एज 45 ईयर्स हो, दूसरी अगर उसकी एज 63 ईयर्स हो, और सी जिसकी एज 82 ईयर्स हो। लेकिन अज्यूम दैट मिस्टर एक्स इज नॉट ऑफ्ट द प्रीवियस सेक्शन 115 BAC। जो सेक्शन 115 BAC है, ये एक नया टैक्स स्लैब रेट है जो कि इंडिविजुअल को दिया गया है। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है, इसमें हमें क्या है, अंडर चैप्टर 6A के डिडक्शन नहीं मिलते हैं, लीव एंड ट्रेवल कंसेशन के डिडक्शन नहीं मिलते हैं। इसमें स्लैब रेट अलग बनाया गया है। लेकिन अभी हम जो सीख रहे हैं, जो हमारा नॉर्मल रेट है, उसके हिसाब से हम टैक्स का कैलकुलेशन करना सीखेंगे। सबसे पहली चीज़ है मिस्टर एक्स, जिसकी एज 45 ईयर्स है, मतलब 60 ईयर से कम है। तो हमें मालूम है, सबसे पहले फर्स्ट, अगर आपने आपको अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के बारे में नॉलेज ना हो, तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, तो मैंने आपको बताया गया है, आप मेरी प्ले लिस्ट में जाकर। सबसे पहली चीज़ है हमारा फर्स्ट 2,50,000। हमने 2,50,000 तक टैक्स का रेट क्या है, टैक्स का रेट होता है नील। उसके बाद नेक्स्ट, अगर 2,50,000 ₹1 हो जाता है, से लेके 5 लाख तक जो होता है आपका टैक्स रेट रहता है 5%, जो कि एक्सीड होता है 2,50,000 से। तो हम अपने कैलकुलेटर पर कहेंगे 5 लाख रुपीस माइनस 2,50,000 रुपीस, तो बचा कितना, 2,50,000 रुपीस। 2,50,000 पर 5% कर देंगे तो हमारा टैक्स निकलेगा 12,500 रुपीस। ये हो गया हमारे 5 लाख। नेक्स्ट, अब अगला है आपका, नेक्स्ट है 5 लाख रुपीस 1 × 10 लाख। 5 लाख से 10 लाख की जो स्लैब रेट है, अगर वो एक्सीड होता है तो उसके ऊपर टैक्स क्या लगेगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा 20%। हम कैलकुलेटर पर लेते हैं, जैसे कि हमारी इनकम है 10 लाख रुपीस, उसमें से हम 5 लाख रुपये माइनस कर देंगे तो बचा कितना, 5 लाख रुपये। 5 लाख रुपये के ऊपर निकलेगा आपका 20 करके परसेंट करना है कैलकुलेटर पर, आपका हो जाएगा 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपीस निकल जाएगा। उसके बाद हमारी इनकम है 12 लाख रुपीस, तो बैलेंस कितना बचा, 10 लाख में से 12 लाख माइनस कर देंगे तो बैलेंस बचेगा 2 लाख रुपीस। जो 2 लाख रुपये बैलेंस निकलेगा, उसके ऊपर हम टैक्स निकालेंगे। हम कैलकुलेटर पर लिखेंगे 2,00,000 × 30 और परसेंट का बटन दबा देंगे, तो निकलेगा 60,000 रुपीज़। हमारा क्या निकला, 60,000 रुपीज़। टोटल टैक्स कितना हो गया हमारा, 12,500, 1 लाख और 60,000 मिला के हो गया हमारा 1,72,500। इसमें ऑलवेज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एड होता है, जो हमारा टैक्स निकला है 1,72,500 को आप कैलकुलेटर पर लेंगे और उसके बाद इंटू करके 4 दबा देंगे और परसेंट पर क्लिक करेंगे, आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस निकलेगा 6,900। टोटल टैक्स हो गया आपका 1,79,400। इसमें मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ, 87A का रिलीफ, 87A का रिलीफ कब मिलता है। 87A का रिलीफ हमें इस केस में इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमारी इनकम जो है 5 लाख रुपए से ज़्यादा हो गई है, इसलिए हमें 87A का रिलीफ नहीं मिला। यदि किसी व्यक्ति की इनकम 5 लाख रुपए या 5 लाख से कम होती है, तो उसे 87A का रिलीफ मिलता है, जो कि 12,500, 12,500 और टैक्स टैक्स विच एवर इज लोअर होता है। लेकिन ये सिर्फ ओनली इंडिविजुअल इंडिविजुअल और HOF की केस में मिलता है।
मैं इसके लिए आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा रूल एट सेक्शन 87A के ऊपर। अभी मैं आप जान लीजिए, इसलिए इसलिए इस केस में हमारी इनकम 12 लाख रुपीज़ है, इसलिए हमें 87A का रिलीफ नहीं मिला है। उसके बाद हम जानते हैं, अगर हम दूसरा केस हमारा जो है 60, अगर किसी व्यक्ति की एज 60 ईयर्स या उससे अब होती है, 60 साल या उससे अब होती है, तो उसके लिए टैक्स के कलेक्शन क्या करेंगे। हम जानते हैं जिसकी जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट 3 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए के ऊपर किसी कोई भी टैक्स नहीं है। नेक्स्ट 3 लाख से 1 रुपीज़ से लेके 5 लाख रुपीज़ तक उसका 5% का टैक्स है। तो 5 लाख माइनस 3 लाख बचेगा 2 लाख, 2 लाख को आप कैलकुलेटर पर लेंगे और इनटू 5% दबा देंगे, आपका 10,000 रुपये निकलेगा। तो हमारा ये 10,000। नेक्स्ट हमारा 5 लाख 1 रुपीज़ माइनस 10 लाख रुपीज़, तो 10 लाख माइनस 5 लाख करेंगे तो आपका निकलेगा 5 लाख रुपीज़। जो डिफरेंस है उसके ऊपर आप 20% इंटू करके परसेंट दबाएंगे, आपका 1 लाख रुपीज़ निकलेगा टैक्स। इसी प्रकार आपका जो 12 लाख रुपीज़ है उसमें से आप माइनस कर देंगे 10 लाख रुपीज़, तो बैलेंस बचेगा 2 लाख। 2 लाख के ऊपर आप 30% निकालेंगे तो आपका निकलेगा 60,000। तो टोटल टैक्स हो गया आपका नेट 1,70,000। और मैंने बताया है कि आपके ऊपर ऑलवेज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि 4% होता है, आप कैलकुलेटर पर लेंगे 1,70,000 रुपीज़ इंटू 4 और परसेंट का बटन दबा देंगे, आपका निकलेगा 6,800। तो टोटल टैक्स हो गया आपका 1,70,800। इस केस में भी हमारी इनकम 5 लाख से अबव है, इसलिए हमें 87A का रिलीफ नहीं मिल रहा है। उसके बाद हमारा जो लास्ट केस है वो है हमारा जिसकी एज 80 या उससे अबव होती है। हमारे केस में मिस्टर एक्स की एज 82 ईयर्स है, तो हम क्या कहलाएंगे, इसी ये कहलाते हैं सुपर सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। और इनके लिए बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट जो होती है वो 5 लाख रुपीज़ होती है, 5 लाख तक निल टैक्स है। 5 लाख से अबव और 10 लाख रुपये में डिफरेंस, 10 लाख माइनस 5 लाख करेंगे तो 5 लाख निकलेगा, 5 लाख इंटू 20 और परसेंट का बटन दबा देंगे तो आपका टैक्स निकलेगा 1 लाख रुपीज़। इसी प्रकार आप 12 लाख में से माइनस कर देंगे 10 लाख रुपीज़, तो बचेगा रिमेनिंग बैलेंस 2 लाख। 2 लाख के ऊपर आप 30% टैक्स निकालेंगे, आपका निकलेगा 60,000। मैं आपको एक और आसान तरीका बताता हूँ, आप 2 लाख रुपये कैलकुलेटर पर लीजिए, 2 लाख रुपये इंटू करिए 30 और डिवाइड कर दीजिए 100 से, तो भी आपका टैक्स 60,000 रुपये निकलेगा। तो 1,60,000, उसके ऊपर ऑलवेज हायर एजुकेशन सेस लगेगा। अब 1,60,000, 1,60,000 को आप कैलकुलेटर लें और उसके ऊपर इंटू करके 4 और परसेंट का बटन दबाएं, तो आपका निकलेगा 6,400। तो टोटल टैक्स हो गया हमारा 1,66,400। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक्स और शेयर करिए, और मैं आपको आगे ऐसे ही इनकम टैक्स रिलेटेड सेक्शन से वीडियो बनाता रहूँगा, और आप मेरा सपोर्ट करिए। प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू वेरी मच।